हेलो एवरीवन, आप सभी को एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों 2022 में आप किस तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हो, 2022 में वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे न्यू यूट्यूबर होता है जिसको नहीं पता होता है कि वीडियो अपलोड कैसे करना है, किस तरीके से वीडियो अपलोड करना है और वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है उसे नहीं पता होता है। इसी के कारण उसके सब्सक्राइबर और व्यूज कुछ भी वहाँ पे नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हो तो आप किस तरीके से अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो अपने चैनल पर, और आपको किस तरीके से वहाँ पे टाइटल लिखना है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन टैग्स कुछ भी वहाँ पे, सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या करना है और किस तरीके से आपको करना है ताकि आपका भी चैनल है उस पर व्यूज आए और सब्सक्राइबर हो। तो आज के वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलता हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। दोस्तों यूट्यूब ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो अपलोड कर देना है। जो भी वीडियो यहाँ पर आप अपलोड करना चाहते हो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा टाइटल लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे अभी हाई लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो विजिबिलिटी है उसको आपको अनलिस्टेड रखना है, तो मैं यहाँ पे अनलिस्टेड यहाँ पे रखा हुआ, आप देख सकते हो पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट आता है, तो मैं यहाँ पे अनलिस्टेड करके रखा हूँ और आपको भी पहले अनलिस्टेड करके रखना है। उसके बाद ऑडियंस में आप नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हो इसलिए नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हो तो यस इट इज़ मेड फॉर किड्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ और ये जो वीडियो है यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपको ओपन करना है अपना YT स्टूडियो ऐप, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ YT स्टूडियो ऐप। YT स्टूडियो ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो वीडियो अपलोड में लगाया वो यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर से मैं इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे थंबनेल ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक थंबनेल चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डन कर दूँगा, थंबनेल यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद आपको टाइटल लिखना है, आप किस टाइटल पे वीडियो बना रहे हो। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल। उसके बाद आपको फिर एक टैग लिखना है, यूट्यूब चैनल वेरीफाई कैसे करें। यहाँ पे दो टैग हो गए, ये जो है ये टाइटल हो गया और ये टैग्स के भी काम करेगा, क्योंकि इस तरीके से लोग भी वीडियो बाद यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल वेरीफाई कैसे करें। तो ये टाइटल भी हो गया और ये टैग्स भी हो गया, जिसके कारण से हमारा जो वीडियो है वो रैंक में आएगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, यहाँ पे टाइटल लिख लिए तो इसको क्या करना है कि आपको टाइटल को कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इन दिस वीडियो, उसके बाद मैं यहाँ से एक एरो दे दूँगा, क्योंकि एरो देने के बाद इसका जो डेकोरेशन है वो थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना कॉपी किया हुआ। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का लिंक देना है, तो आपको इस तरीके से आना है और यहाँ पे लिख देना है आपको फॉलो मी ऑन, फिर से मैं यहाँ पे एरो दे देता हूँ और इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे देना है। फिलहाल मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैं ऐड कर दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ कोबरेड COVRED कोबरेड टॉपिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे बहुत यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से लुकिंग इसका जो है वो बेहतर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे सल करके यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे टैग्स डालना है, कम से कम 10 टैग्स आप यहाँ पे डाल सकते हो हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल, तो इसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे टैग्स डालना है कम से कम 10 को, क्योंकि आपका जो चैनल है वीडियो है वो रैंक में जाएगा। तो वो डालने के लिए आपको सिंपली अपना यूट्यूब ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल, क्योंकि उसके रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हैं, हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल, वेरीफाई यूट्यूब यहाँ पे लिखोगे आप देख सकते हो
हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल, कितने सारे यहाँ पे टैग्स आ गए जो कि इसी रिलेटेड यहाँ पे ऑडियंस सर्च करते हैं। यहाँ पे जितना भी आपको यहाँ पे रिकमेंडेड टैग्स यहाँ पे दिख रहा हो, ये सभी यूट्यूब पर जो सर्च करने आता है वो यहाँ पे सर्च करता है, तो वही आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको सबको आपको यहाँ पे देख लेना और कॉपी करके वहाँ पे आपको डाल देना है, कम से कम 10 को डाल देना है आपको यहाँ पे, किस किस तरीके से जो ऑडियंस है वो वहाँ पे सर्च करते हैं आपको सर्च करना है, और नीचे आपको रिकमेंडेड वहाँ पे दिखेगा टैक्स, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये भी आपको टैक्स का जो काम है यहाँ पे हो गया है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको हैशटैग लगा के मिस्टर मंतोष ज्ञान, जो मेरा चैनल का नाम है, मैं यहाँ पे हैशटैग लगा कर डाल दिया, इस तरीके से आपको भी डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको जो डेकोरेशन करना आता है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और भी चीज़ का लिंक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या और भी कुछ का है, ट्विटर व्विटर सभी का यहाँ पे आप डाल सकते हो। डालने के बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे आपको अब टैक्स डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स पे, टैक्स पे आपको इसी तरीके से डालना है, यूट्यूब से लेकर आपको यहाँ पे डालना है। और एक मैं आप लोगों को जो बता देता हूँ वो है यहाँ पे भीड़ आईक्यू, यहाँ पे आपको भीड़ आईक्यू ओपन कर लेना है। भीड़ आईक्यू ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे टॉपिक, जिस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो बना रहे हो उसी टॉपिक को यहाँ पे आपको सर्च करना है, हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल। मैंने यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे सर्च हो के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे सर्च हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल, यहाँ पे जो SEO रैंक 60 दिखा रहा है, हाउ टू वेरीफाई योर यूट्यूब चैनल यहाँ पे 55 दिखा रहा है, 56 दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला है वो आप लगाओगे तो आपका जो वीडियो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड में जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, इसका जो वॉल्यूम है वो 58 है, कंपटीशन मीडियम है, यानी कि कंपटीशन ठीक ठाक है और वॉल्यूम है 58। तो यहाँ पे सर्च भी 58 के रैंक में हो रहा है और कंपटीशन भी मीडियम है, तो आप इस रिलेटेड वीडियो बना सकते हो, आपका वीडियो का जो वायरल होने का चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे आपको टैक्स मिल जाएगा। यहाँ तो यहाँ पे आपको लिख देना है हाउ टू वेरीफाई यूट्यूब चैनल और यहाँ से डाला गया। उसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कितने सारे यहाँ पे है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्च कर लिया और यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से ये हो गया पेस्ट। इस तरीके से आपको इस पे जितना टैक्स है यहाँ पे शो हो रहा है, जो सर्चेबल टैक्स है वो कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपका जो SEO है, SEO का स्कोर इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो वीडियो है वो वायरल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, विजिबिलिटी में आना है और यहाँ पे आपको अगर आप चाहते हो पब्लिक करना तो यहाँ पब्लिक पे आपको क्लिक करना है, और आप चाहते हो शेड्यूल करना तो यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइम फिक्स करके शेड्यूल कर सकते हो। और आप चाहते हो कि आपको पब्लिक करना है अभी वीडियो अपना, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पब्लिश नाउ है, यहाँ पे पब्लिक पब्लिक पे क्लिक करके और यहाँ पे आप सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा। तो मैं जो तरीका बताया उस तरीके से आपको करना है और आपका वीडियो वायरल ज़रूर होगा। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो और वीडियो अपलोड करने का सही तरीका यही है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।